तो अब अगर आप अपने सेलफोन को एज अ वेबकैम यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ड्रॉइड कैम की ऐप नजर आ रही है, इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा और सेम एप्लीकेशन आपको अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करना होगा, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। सेम एप्लीकेशन आप वहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च करें और सेम वहाँ पे आपको भी ये जाकर इंस्टॉल करना होगा। ये Dev47 एप्स के अंदर वहाँ पे वेबसाइट के अंदर नजर आएगी, वहाँ पे जाके आप इसे अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर लें और अपने फोन पे भी इंस्टॉल कर लें। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे ये काम करती है। सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद एज यूजुअल जो होता है कि भाई वो थैंक यू दिखाते हैं, कुछ परमिशन मांगते हैं, आपको परमिशन यहाँ पे देनी होंगी। प्लस इसने यहाँ पे बताया कि भाई कैसे आप जाएं पहले वहां इंस्टॉल करें, और जबकि सेम नेटवर्क पे आए, वाईफाई नेटवर्क सेम होना चाहिए दोनों फोन का। ये ना हो कि भाई आपने इसको 4G पे कनेक्ट कर रखा है, उसको वाईफाई पे कर रखा है और फिर सोचने कि यार दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को ही सेम वाईफाई पे या सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। और फिर वहां पे एक स्मॉल आईपी दिखाएगा जो कि अक्सर यूजुअल होता है। एक मैंने आपने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कैसे आप यूरिन ऐप को यूज कर सकते हैं एज अ वेबकैम को, ये भी सेम उसी की तरह ही है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो जरूर चेक करें। और यहाँ पे गॉट इट करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि भाई परमिशन कैमरे की चाहिए चाहिए से, ऑडियो की भी चाहिए। तो आपका ऑडियो भी यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, जैसे ये वाईफाई यहाँ नजर आ रहा है। अब ये सिंपली आपको वहां पे डालना होगा और यहाँ पे ये कैमरा स्विच पे दिख रहा है आपको, जिससे आप कैमरे को स्विच कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे बैक कैमरा फ्रंट कर सेलेक्ट करना है कि फ्रंट करना है। यूजुअली बैक कैमरा यूज करेगा क्योंकि बैक कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा, पर अगर फिर भी आपको कोई डालना हो तो आप फ्रंट कैमरा भी यूज कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में ऐसा कुछ और नहीं है, सिर्फ सेटिंग्स वगैरह है और अबाउट है, जिसमें कि आपको दिख सकता है कीप डिवाइस अवेक, जब आपको लगे कि भाई आप कैमरा यूज कर चलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑटो डिम स्क्रीन भी कर सकते हैं, कैमरा माइक्रोफोन कौन सा यूज करना है, आईपी वेबकैम सब कुछ यहाँ पे है। ये देखिए माइक्रोफोन वगैरह कौन सा यूज करना है, नॉइस सस्पेंशन यूज करना है, इनपुट सोर्स कौन सा है, कि अगर आप ब्लूटूथ वाला यूज करना चाहते हैं वो भी, और यूजर नेम वगैरह भी आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से अपने लैपटॉप पे जाते हैं और मैं बाकी की चीजें वहां पे आपको दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद ये सेम जो आपने आईपी एड्रेस वहां देखे थे वो सब चीजें यहाँ मानेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइस आईपी दिखा दिया, अब यहाँ पे दिखा दिया तो आप वाईफाई कनेक्ट कर लें, यूएसबी लगा के उससे कर लें, या फिर अपना कोई वाईफाई सर्वर बनाना है तो उस पर कर लें। और चूंकि मैं वहीं पर पहले एक वाईफाई का यूज कर चुका हूँ, शुरू कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली उसे को यूज करूंगा। तो मैं उसको देखता हूँ कि भाई वो आईपी एड्रेस था क्या, वो जो आईपी एड्रेस था वो था 192.168.1.3। आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.3। और यहाँ पे ये पूछा कि भाई वीडियो वीडियो चाहिए कि आपको ऑडियो चाहिए, फिलहाल मैं सिर्फ इसको वीडियो के लिए ही करता हूँ। अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे कैमरा स्विच कर चुका हूँ, कैमरा स्विच करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पिक्चर ठीक है, ऑडियो ये यहाँ से नहीं ले रहा है, ऑडियो वो वहीं से ले रहा है। और अगर आपको ये देखना है कि भाई कैसे हम इसको क्रोम में जाके अपने यूज कर सकते हैं एज जब भी हमारे कोई हैंगआउट चैट हो रही हो, तो उसका भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो पहले मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ, वहां पे जाकर देख सकते हैं कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं। अब इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, जितना मुझे दूर रखना चाहिए वहां रख सकते हैं। बस एक चीज इसमें मैंने नोटिस की है कि आपको इसको फोन को हॉरिजॉन्टली करना होगा, अगर आप इसको फोन को सीधा करेंगे तो आपकी इमेज भी टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हमेशा यूज साइड में रखें, तो जिससे कि आपकी जो सामने का वो लुक है बिल्कुल ही ठीक ठाक है। और ये मैं बैक कैमरा से कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यार काफी अच्छा है। तो बस आज की वीडियो में तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।